सो यार आज का टॉपिक होने वाला है हमारा रेडमी 6 के ऊपर, जिसके हैं IMEI नंबर करप्ट, और IMEI नंबर करप्ट को कैसे करके रिपेयर करेंगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि UMT का जो MTK टूल है उसको ओपन करके पैच मॉडम में सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैच मॉडम को सेलेक्ट करके आपने वॉल्यूम प्लस और माइनस बटन को दबा के रखना है, फिर फोन को कनेक्ट कर देना है। ये देखिए यहाँ पर ये मेटा मोड में कनेक्ट हो चुका है। ये सक्सेस होने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसके टूल एंड FR के बारे में ऑप्शन में आपने चले जाना है। ये सक्सेस होने के बाद ये देखिए आप टूल में जाके आपने सबसे पहले मॉडल सेलेक्ट कर देना है। ये देखिए Xiaomi का है ये Redmi 6 मॉडल सेलेक्ट करके अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मेटा न्यू मॉडल में क्लिक कर देना है। मेटा न्यू करके इसको क्लिक कर देना है और IMEI नंबर होंगे जो भी आपके उसको यहाँ पे डाल देना है। ये देखिए IMEI नंबर डालने के बाद आपने क्या करना है कि वॉल्यूम प्लस और माइनस बटन दबा के रिपेयर पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे मेटा मोड में कनेक्ट हो जाएगा ये फोन। देखिए ऑपरेशन फेल्ड बता रहा है। आपने क्या करना है इसमें डाटा केबल को लगाए रखना है, डाटा केबल को निकालना नहीं है, बस लगाए रखना है और इसके बाद दोबारा रिपेयर पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे देखिए अब जाके IMEI नंबर आपके सक्सेसफुली रीड एंड राइट हो जाएंगे। देखिए ऑपरेशन फिनिश बता दिया है, यानी कि हमारा IMEI नंबर रिपेयर हो गया है। इसके बाद कई फोनों में एक दिक्कत और आ रही है इसमें कि जैसे ही ऑन कर रहे हैं फ़ोन को वो से रिकवरी मोड में चले जा रहा है। यहाँ पे चेक करके हम देखते हैं, एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं। कई फ़ोनों में तो सक्सेसफुली रिपेयर हो जा रहा है, लेकिन कईयों में क्या आ रहा है कि ये रिकवरी मोड की प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए यहाँ पे रिकवरी मोड में चले गया है। अब जाके हम इसको एक बार रिबूट कर देते हैं। फिर भी अगर यही प्रॉब्लम आती है एक बार और तो आपको क्या करना है कि एक वीडियो को देखते रहना है, एक सिंपल से ट्रिक के माध्यम से ये सक्सेसफुली रिपेयर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फिर भी यही दिक्कत आ रही है। अब आपको क्या करना है कि इसका बैक पैनल खोल देना है, जो इसका मदरबोर्ड है उसको निकाल देना है पूरा का पूरा, और सिंपली सिर्फ बैक साइड पे यहाँ पे ये जाली होगी इसको निकाल देना है। और ये बड़ी सी IC के बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसको आपने तोड़ देना है। ये देखिए यहाँ पे ये बड़ी सी डायोड के ठीक नीचे से ये छोटा वाला रेजिस्टेंस, इसको आपने तोड़ देना है। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा सबसे ऊपर वाला, इसको निकाल देना है आपको। देखिए मैंने ये तोड़ दिया है। बस इसको निकालने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सिंपल सी सॉल्व हो जाएगी। अब चेक करके देखते हैं एक बार।
एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। इसकी अभी बैटरी लो है, इसको एक बार चार्ज करके देखते हैं। अब मैंने बैटरी चार्ज कर दी है इसकी, अब देखते हैं चेक करके कि इसका IMEI नंबर रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए ये फोन अब रिकवरी मोड में नहीं जा रहा है। एक रेजिस्टेंस को तोड़ने से इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ये देखिए ऑन हो रखा है एंड अब इसको चेक करेंगे IMEI नंबर रिपेयर। इसमें दबाते हैं *#06#। ये देखिए यहाँ पे IMEI नंबर रिपेयर हो चुके हैं। और वीडियो पसंद आएगी आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना।